तो एक बंच हम लोग लेंगे, तो इसका मेडिसिनल यूज भी है, खांसी और सर्दी के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द फ्रॉग, हाई फ्रॉग, वी विल ट्राई वन। ऐसा खट्टा खट्टा एकदम। नमस्कार दोस्तों, मैं युवक और आप देख रहे हैं क्रेजी अबाउट फिशिंग एंड कुकिंग हिंदी। आज की वीडियो में हम आए हैं नागालैंड। वैसे तो नागालैंड भारत का स्थित राज्य है, लेकिन बहुत से भारतीयों को अब भी ये बात पता नहीं। भले ही नागालैंड भारत का एक भाग है, लेकिन यहाँ की संस्कृति, यहाँ का खान पान पूरे भारत से एकदम अलग है। यहाँ के अधिकतर लोग आदिवासी है और प्रकृति का बहुत आदर करते हैं। प्रकृति से जो भी मिले उसे अपने आहार में शामिल करते हैं, और हम ऐसी ही कुछ अनोखी और अनदेखी रेसिपीज का स्वाद लेने वाले हैं। हाँ, अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो प्लीज ये वीडियो अभी स्किप कर दीजिए, और अगर आपको नया कुछ देखना है तो आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आए हैं डीमापुर, जहाँ होता है हर बुधवार को बहुत ही बड़ा मार्केट, और यहाँ खाने के लिए ऐसी ऐसी चीजें मिलती है जिसे देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आज की पहली दो रेसिपीज की सामग्री हम यहीं से खरीदेंगे। अविले अपने साथ, और अविले हमें गाइड करेंगे डीमापुर मार्केट दिखाने के लिए। एक्चुअली इसके लिए मैं एक साल से प्लान कर रहा था, और फाइनली आज वो दिन आया। और थैंक यू सो मच अविले। हाय, सो सब्सक्राइब। सो अविले विल बी हेल्पिंग टू एक्सप्लोर द मार्केट। अविले ने कुछ रेसिपी सजेस्ट की थी, तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हमें यहाँ से मिलेंगे। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद हमें फ्रॉग्स मिले, 5-6 फ्रॉग होते हैं एक बंच में, तो एक बंच हम लोग लेंगे। खाने के लिए या पालने के लिए? खाने के लिए। बच्चा लोग खांसी करता है ना? हाँ, बच्चा लोग खांसी करते हैं। अच्छा 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 अच्छा। अब तक मैंने इन्हें पाला था, और यहाँ पता चला इसका मेडिसिनल यूज भी है, खांसी और सर्दी के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैन ईट देम रॉ? सेकंड रेसिपी जो हम ट्राई करने वाले थे आज, सिल्क वर्म्स है। प्राइस कितना है इसका? 600 kg। हाफ के जी मिल जाएगा? हाफ के जी लिए है, रेसिपी के लिए काफ़ी है हाफ के जी। एंड ये गिनी पिग पालने के लिए या खाते भी है? गिनी पिग खाते हैं। सो एनी आइडिया हाउ मच इट कॉस्ट? इज दिस होल टब इज़ फॉर 100 rupees। सूखा फ्राई किया हुआ है ये, तो ऐसे भी खा सकते हैं इसको, या सिल्क इज ऑल्सो दे रहे हैं? हाँ, अरे खा लिया। हाँ हाँ हाँ। तो वी विल ट्राई वन। ऐसा खट्टा खट्टा एकदम। बाजार में सामग्री तो मिल गई, अब चलते हैं अविले की होटल फूड जोन में, जहाँ सिल्क वर्म और मेंढक की नागा स्टाइल रेसिपी हमें देखने मिलेगी, और इस काम में हमारी मदद करेगी अविले की माताजी लीलोंग। सबसे पहले देखते हैं मेंढक की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले मेंढक को अच्छी तरह से साफ किया जाता है, फिर उसमें बारीक कटा अदरक, थूमी का पत्ता, लहसुन, नमक, फर्मेंटेड बैम्बू शूट, हरी मिर्च, सेजवन पेपर, नागा लहसुन, और 2 cup पानी डाल के इसे 20 मिनट तक उबाला जाता है, और इस तरह से तैयार होती है नागा स्टाइल मेंढक की रेसिपी। अब देखते हैं सिल्क वर्म की रेसिपी। सबसे पहले सिल्क वर्म को थोड़ी देर बॉईल किया जाता है, और वो पानी फेंक दिया जाता है। उसके बाद उसमें डाला जाता है बारीक कटा हुआ अदरक, टोमेटो, लहसुन, नागा लहसुन, फर्मेंटेड बैम्बू शूट, सेजवन पेपर लीफ और नमक, और इसके साथ इसमें डाला जाता है 3 cup पानी, और इसे लगभग 40 मिनट तक उबाला जाता है, और इस तरह से तैयार होती है सिल्क वर्म की रेसिपी। अच्छा, सो सिल्क वर्म जैसा मैंने सोचा था वैसा, मतलब सॉफ्ट होगा, मुझे ऐसा लगा था जब हम लोगों ने खरीदा था ना, तो ऐसा लग रहा था कि सॉफ्ट होगा एकदम, बट आफ्टर कुकिंग इट्स रियली हार्ड, है ना, तोड़ना भी गुई, गुई, गुई। अच्छा, तो काफ़ी हार्ड है ये, इसे तोड़ना भी। जो ये खाते उसका टेस्ट आ रहा है, मतलब ये प्लांट्स और वो थोड़ा सा ऐसा वो टेस्ट होता है ना लीफ का, थोड़ा सा ऐसा बिटरनेस जो होता है उसमें, वैसा टेस्ट आ रहा है। ऐसा कुछ बैड नहीं है, नॉट खट्टा नहीं है ऐसा जैसे मैंने सोचा था, जैसे वो जायंट एंट हम लोगों ने खाया था वैसा नहीं है। नॉट बैड, नॉट बैड, इट्स गुड। लेट्स ट्राई विथ किंग चिली। किंग चिली द हॉटेस्ट पेपर। लेट्स ट्राई विथ चिली। मच बेटर, नहीं हाँ, मच बेटर। सो विद दिस नागा प्याज, यस नागा प्याज। Main part, let's try the frog. So let's take one. Go for the thighs. I'll take the whole one first. Okay. See, so this is the frog. Hi frog. Hi frog. हम लोग इसको हाथ में पकड़ते तभी एकदम ऐसे सॉफ्ट लगता है, लेकिन कुक होने के बाद एकदम हार्ड है ऐसा, मतलब काफ़ी हार्ड है इसका ये मीट। तो ये स्किन के साथ पूरा ट्राई करना पड़ेगा, ये स्किन निकाल के खाना पड़ेगा पूरा 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 ना। So let's try the frog leg. ऐसे ही खाएंगे without masala, जैसे है वैसे बनाया। Yeah. हाँ, a bit like chicken. Maybe I'm wrong or it
just tastes, for me it just tastes like chicken. Not bad. Not bad. Mm-hmm. Yeah, okay. The most meaty part. Most meaty part is butt. Yeah, thai. So let's try it with other things, lemon and all. Salad. With lemon it tastes much better. Chicken, same chicken, I don't feel any difference. King chili, king pepper. पहले से कुछ थॉट नहीं बना के आओगे आप तो आपको हर चीज अच्छी लगेगी। इसके बाद दो और अनोखी रेसिपीज हम देखेंगे, मगर इसके लिए हमें जाना पड़ेगा जंगलों के बीचों बीच नागालैंड के एक छोटे से गांव कोन्याक अंजोंग में। यहाँ की ट्राइब का नाम कोन्याक है, जिसके आधार पे इस गांव का नाम कोन्याक अंजोंग रखा गया है। और यहाँ हम टेस्ट करेंगे रैट सूप यानी कि चूहे का सूप और कीड़ा फ्राई, और इस काम में हमारी मदद करेंगे जॉन कोन्याक। तो सबसे पहले पकड़ते हैं कीड़े। ये एक विशेष प्रकार का कीड़ा है जो लीची के पेड़ पे मिलता है। ये काफी बदबूदार होता है, लेकिन इसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। छोटा है क्या? और इसके बाद जॉन के दोस्त ने हमें दो चूहे दिए रैट सूप बनाने के लिए। दोनों ही रेसिपी सिंपल है। कीड़े सबसे पहले गर्म पानी में डाल दिए जाते हैं, जिससे कि उनकी बदबू पूरी तरह खत्म हो जाए, और फिर उनके पंख हटा दिए जाते हैं। सरसों के तेल में ये कीड़े फ्राई किए जाते हैं जरा से नमक के साथ। नमक, ये इस तरह से फ्राई हो चुका है। और पहले अभी ये जॉनी ट्राई करेगा। रैट सूप बनाना भी बहुत आसान है। सबसे पहले रैट को भून लिया जाता है, जिससे कि उसके बाल जल जाए। फिर उसकी पूंछ और जबड़ा हटा दिया जाता है। फिर उसके बारीक टुकड़े करके पानी में अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक के साथ बॉईल किया जाता है। फाइनली रैट सूप भी रेडी हो गया है। रैट सूप रेडी। यस। वाओ। वाओ। बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है ना इसका ये। मीट भी है, रैट मीट भी है। तो उसी रैट मीट टेस्ट करना। ओके, रैट मीट मतलब सूप तो निकल चुका है इसका एक्चुअली, तो मीट थोड़ा सा बचा है। तो मेरे ख्याल से मुझे क्या मिले, उसका फेस तो नहीं है ना, फेस जैसा लग रहा है। एक दिया ना। उसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं है। मतलब उसमें कुछ होगा नहीं, लेकिन मतलब फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, तो मुझे अंदर से सब कुछ सोच मेरी खाली करनी पड़ेगी मुझे खाने के लिए।